अमझिरा नगर में आज शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री एवं जिले के आपदा प्रभारी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा 5 ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें 13 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अस्पताल भवन के लिए एयर कंडीशनर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों की मांग पर मंत्री दत्तीगांव द्वारा अमझिरा हॉस्पिटल को ऑक्सीजन एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए जाने की भी बात कही। वहीं थाना पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भाप मशीन भी प्रदान की गई। विगत दिनों से अमझिरा क्षेत्र में कोरोना वायरस के पीड़ित लोगों के उपचार में ऑक्सीजन की दिक्कतें देखी जा रही थी, जिससे मरीजों को रेफर करना पड़ रहा था, जिसके चलते अमझिरा क्षेत्र की सार्थक संस्था द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से रुपये एकत्रित किए गए एवं 13 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। साथ ही कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें 5 ऑक्सीजन मशीनें भी उपलब्ध करवा दी गई। इसके बाद अब अमझिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना और अन्य मामलों में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज को जूझना नहीं पड़ेगा। उक्त आयोजन के दौरान धार जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल, सरदापुर SDM BS कलेश, SDOP राम सिंह मेड़ा सहित क्षेत्रीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ही संस्था सार्थक के अध्यक्ष गोपाल सोनी, शुभम दीक्षित, अजय शर्मा, विक्रम सिंह राठौर, नारायण दीक्षित, राहुल शर्मा आदि युवा मौजूद रहे। सभी ने मंत्री दत्तीगांव द्वारा क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था में दिए जा रहे विशेष सहयोग का आभार माना। वहीं कैबिनेट मंत्री दत्तीगांव में जिला एवं प्रदेश में हर स्वास्थ्य सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने एवं हर संभव मदद की बात भी कही है। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच पप्पू अजनारे, सचिव गोपाल कुमावत, जनप्रतिनिधि गोपाल खंडेलवाल, प्रवीण गुप्ता, अर्पित शर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद रहे। सार्थक ग्रुप की ओर से हमारी एक छोटी सी पहल पर जो सभी दानदाताओं ने दिल खोलकर सहयोग किया। अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही थी, तो इसमें सार्थक ग्रुप ने एक थोड़ी सी लोगों से मदद की अपील की कि इस संकट की घड़ी में सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, ताकि विशेषकर ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो अपन अमझिरा क्षेत्र में दूर कर सकें। उसमें हमने बहुत कुछ सफलता पाई है। हमारे जितने भी स्रोत थे उनसे हमने 12 ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए हैं, वो हमने तत्काल उज्जैन जाकर खरीदे। और SDM साहब और कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको इस कार्य के लिए प्रेरित किया और सहयोग भी किया। साथ ही हमारे आदरणीय मंत्री जी राजवर्धन सिंह जी, जो इस कोरोना काल में सतत प्रयास कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए महामारी से, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सार्थक ग्रुप की ओर से, कि उन्होंने हमें एक आश्वासन भी दिया है। अभी अमझिरा अस्पताल में हमने एम्बुलेंस के लिए मांग रखी है उनके समक्ष, तो उन्होंने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है। साथ ही हमने जो जन सहयोग हुआ उससे पुलिस विभाग के लिए भी भाप की मशीन खरीदी है, तो पुलिसकर्मी भी जो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं इस कोरोना काल में। अच्छी पहल है, मैं आभारी हूँ सभी लोगों का जिन्होंने जन सहयोग किया है, और सबके सहयोग से ये संभव हो रहा है। हमारे जिले के अध्यक्ष जी रवि यादव जी के साथ हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकर्ता हैं, पूरी टीम है। तो मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, आप इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, सकारात्मक भूमिका निभाई है। किसी भी सरकार के लिए अकेला ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी महामारी से खुद निपट ले। आप सब लोगों का सहयोग रहा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो एक समय हमें लग रहा था हमारी संक्रमण दर 20% से ज़्यादा चली गई थी, 30 तक जाने का लोग कह रहे थे, आज हमने सब ने मिल के इसको कंट्रोल किया है। हम करीब 13% पे हैं, और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 10% से नीचे ले आएँ और धीरे धीरे पूरी तरीके से चेन तोड़ के इसको ख़त्म करें। कॉन्सनट्रेटर मशीन कुछ चार दी गई हैं, सिलेंडर्स जनभागीदारी से आए, कुछ वेपराइजर्स दिए गए हैं, और भी आवश्यक साथ साथ कुछ और बेड्स बढ़ाए जाएं। और एम्बुलेंस की आवश्यकता भी यहाँ पे बताई गई है, एम्बुलेंस का भी हम प्रोविजन करने का प्रयास जल्दी ही शीघ्र कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो भी और भी गैप्स होंगे, चाहे दूसरी मशीन्स हो या एक्सरे की सुविधा हो, प्रयास ये किया जाएगा कि संक्रमण अभी ये दौर तो ख़त्म हो ही हो, अगर भविष्य में तीसरा वेव आए भी, तीसरे वेव आने से पहले तैयार रहे। और जो जिन लोगों को हमने खोया है उनके परिवारों को भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनके आने वाले समय में उनका भी हम जितना भी हो सकता है सहायता